पीएम मोदी ने देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का किया उद्घाटन, बोले देश में तेजी से आगे बढ़ रहा ई कोर्ट मिशन। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, गृह मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। भारत जोड़ो यात्रा का 39वां दिन, बल्लारी के संगना कल से यात्रा की शुरुआत। प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक शुरू, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया उद्घाटन, जनसंख्या नियंत्रण सहित विभिन्न मुद्दों पर मंथन। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अंतिम चरण आज से एसएमएस स्टेडियम में, सीएम गहलोत करने वाले हैं आगाज। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का मतदान कल, बैलेट पेपर पहुंचे जयपुर, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 बूथ पर 413 डेलीगेट डालेंगे वोट। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन, पूछताछ के लिए कल बुलाया। दिल्ली में बीजेपी का पंच परमेश्वर सम्मेलन को जेपी नड्डा ने किया संबोधित, कहा बीजेपी के पास बड़ा जनाधार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में आक्रोश, पूरन कृष्ण भट्ट को अंतिम विदाई देने उमड़े लोग। अलवर के खेरली में बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना, गैस कटर से तोड़ा एटीएम। उदयपुर में आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मावली के कुंडाल में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के एटा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, एटा के लाभार्थियों को सौंपी घर की चाबी। इस दिवाली घर पहुंचने के लिए यात्रियों को करनी होगी जद्दोजहद, जयपुर से ज्यादातर शहरों के लिए ट्रेनें चल रही फुल। जयपुर में चैन स्नेचिंग की वारदात, बाइक सवार महिला के गले से हार और चैन तोड़कर फरार। भरतपुर में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने भारी मात्रा में किया सामान बरामद। भरतपुर में आबकारी आयुक्त के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, सिनसिनी गांव में पकड़ी दारू बनाने की फैक्ट्री। बालेसर में निजी बस और कार में हुई टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। माउंट आबू में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत, कार में सवार सभी लोग बाल बाल बचे। सोने चांदी के दाम में गिरावट, भारतीय सराफा बाजार में सोना 50,438 रुपये और चांदी 56,042 रुपये प्रति किलो के करीब बिक रही। 1 नवंबर को ध्वजारोहण से होगी पुष्कर मेले की शुरुआत, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित खेल प्रतियोगिताएं होंगी। प्रो कबड्डी में रात को 2 मुकाबले खेले जाएंगे, पहला मैच पुनेरी पल्टन और यू मुंबा के बीच। मदर डेयरी ने आज बढ़ाई दूध की कीमतें, दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। श्रीगंगानगर में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात नाकाम, मैनेजर पूनम और बैंककर्मी प्रदीप ने हिम्मत दिखाई और बदमाश को धर दबोचा। जालौर में लंपी रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा में जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, योजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा की गई। जोधपुर के बनाड़ में चिकित्सक के ट्रांसफर से ग्रामीण रोष में, अधिकारियों का विरोध कर प्रदर्शन किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने की खुदकुशी, एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वर्ल्ड कप के पहले मैच में बड़ा उलटफेर, नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रनों से हराया। सलार के मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, सलार से पृथ्वीराज सुकुमारन का धांसू फर्स्ट लुक आया सामने। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी ने पकड़ी रफ्तार, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन करीब 3 करोड़ 87 लाख रुपए का किया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।